एंड वेलकम टू अनदर वीडियो वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट अगेन। पर इस समय जो मैं बात करने वाला हूँ, ऐसे कॉस्ट के बारे में जिसके बारे में कोई नहीं बताता आपको, ये है हिडन कॉस्ट। जब आप टेम्पलेट लेके चलते हो, जब आप कंसल्टेंट्स की बात मान के चलते हो, जब आपने कोई वीडियो देखा या कोई बुक देखा, वहाँ से एक फॉर्मेट उठाया, वहाँ पर आपने कैलकुलेट करना शुरू किया, ये कॉस्ट वहाँ पर नहीं आते। सो आपके दिमाग में भी नहीं होते, आपने बजट ही नहीं किए होते इसके बारे में कभी, लेकिन ये हिट करते हैं जब आप काम शुरू करते हो तब, और तब आपको पता चलता है कि आपका पूरा का पूरा बजट इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। ये कौन से कॉस्ट हैं, इसको पहले आप आइडेंटिफाई कर लो तो आपकी तैयारी होगी ताकि आप इसको ठीक कर सको जब कभी भी आपके पास ये सिचुएशन आती है। सो चलिए देखते हैं ये कौन से कॉस्ट हैं जो आपको परेशान करते हैं अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं तो। तो इसको हम लोग कहते हैं हिडन कॉस्ट, जो कि आपके स्टार्टअप कॉस्ट को कई बार खा जाता है। सो मैंने टिपिकली हिडन कॉस्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। मैं बात करने वाला हूँ स्टार्टअप कॉस्ट की, मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे कॉस्ट जो आपको लॉन्च के समय लगते हैं, और कुछ ऐसे कॉस्ट जिसको मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करता हूँ। तीनों को एक एक करके आपको समझाता हूँ। जो आपका स्टार्टअप कॉस्ट होता है, स्टार्टअप कॉस्ट क्या होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप देते हो, इसमें हिडन क्या है, सब तो पता है क्या है हिडन इसमें। सबसे पहला हिडन आइटम होता है रेंट का डिपॉजिट। अगर आप फ्रेंचाइज ले रहे हो या आप किसी कंसल्टेंट के मदद से बिजनेस अपना शुरू कर रहे हो, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, वो उसके कैलकुलेशन में नहीं होता। उसने आपको क्या बताया होता है कि ये 1,00,000 रुपये में बिजनेस शुरू हो जाएगा, ये कैपिटल मेरा 1,00,000 है, तो आपने 1,00,000 का इंतज़ाम कर लिया, आपने 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा रख लिए कि चलो अगर कोई थोड़ा प्लस माइनस होता है तो मेरे पास फंड्स रहने चाहिए। मैं आखिरी मोमेंट पर आकर के तो नहीं बोल सकता कि मेरे फंड ख़त्म हो गए। अभी आपने एक दुकान देखी, दुकान का रेंट था 30,000, बात हुई मकान मालिक से आपकी, मकान मालिक ने कहा 2 महीने का एडवांस लगेगा, एक ब्रोकर है साथ में तो उसका 1 महीने का ब्रोकरेज होगा, तो 2 महीने का एडवांस रेंट प्लस 1 महीने का रनिंग रेंट प्लस 1 महीने का ब्रोकरेज 1,20,000, तो ये हो गया। अब अचानक से लैंडलॉर्ड आपका बोलता है कि इसमें तो डिपॉजिट भी लगेगा। अब ये डिपॉजिट तो आपने सोचा नहीं था, डिपॉजिट कितना लगेगा, डिपॉजिट किसी किसी शहर में तो 2-3 महीने का रेंट लगता है, किसी किसी शहर में 1 साल का लगता है। तो अगर 30,000 कहीं का रेंट है तो हो सकता है 3,00,000 रुपये डिपॉजिट हो उसका, हो सकता है 5,00,000 रुपये डिपॉजिट हो उसका, 2,00,000 रुपये डिपॉजिट हो, तो ये क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये आपको हिट करेगी जब आप काम शुरू करोगे तब। So, इस बात की क्लैरिटी दुकान लेने से पहले आप क्लियर कर लो, और उसके हिसाब से आप अपना टोटल वर्किंग जो है ना, आपकी फाइनेंशियल वर्किंग को रीएडजस्ट कर लो, दैट्स एडवाइजेबल। सेकेंड चीज जो हिट करती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, चिमनी। नॉर्मली किचन इक्विपमेंट का एक बजट होता है, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 ऐसा एक बजट बनाया, उसमें मेरा पूरा किचन बन के तैयार हो जाएगा। उसमें दो चीजें शामिल नहीं होती है, पहला जो प्लम्बिंग का या पानी का जो यू नो इनलेट आउटलेट बनेगा उसका खर्चा, दूसरा चिमनी का खर्चा। अब चिमनी का खर्चा ऐसा क्या है जो हिडन है इसके अंदर, हिडन क्यों है, ये डिपेंड करता है आपके नेबर्स के ऊपर, आपके बिल्डिंग ओनर के ऊपर। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो और वो बिल्डिंग 6 माले की है, 6 फ्लोर हैं बिल्डिंग में, और अगर वो अड़ गए कि नहीं आप चिमनी इधर से नहीं निकाल सकते, तो आपको चिमनी की पाइपिंग पूरे 6 फ्लोर ऊपर तक देनी पड़ेगी। अब सोच लो आप उसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा कॉस्ट पे, आप थोड़ा सा चिमनी का पाइप बाहर निकालो विजवी आप 6 फ्लोर ऊपर तक पाइप निकाल के लेके जाओ। ये होता है प्रैक्टिकल चीज, आपने चिमनी बाहर निकाली कहीं पे, बाहर निकाल दी, सब कुछ हो गया, रेस्टोरेंट चालू हो गया, 1 महीने के बाद किसी ने कंप्लेन किया म्यूनिसिपैलिटी में, इसकी चिमनी की वजह से मुझे ये ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे अस्थमा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, एंड नाउ म्यूनिसिपैलिटी टेल्स यू कि यू हैव टू चेंज दिस, अब क्या करोगे,
रेस्टोरेंट तो बंद नहीं कर सकते, चिमनी कहीं तो कुछ करोगे विद सेटिस्फाइड दैट गाय हु कंप्लेंड अबाउट इट। जिसने कंप्लेन की उसकी कंप्लेन के लिए कुछ तो करोगे आप, मॉडिफाई करोगे, लड़ाई करते हुए तो बिजनेस नहीं कर सकते आप। ये हिडन एक्सपेंस, इसको कैसे देखना है आपको, जब आप शॉप ले रहे हो ना तो दिमाग में बिठा लो आपका किचन किधर होगा, किचन से चिमनी कहाँ निकलेगी और कहाँ तक जाएगी, और ये बता दो लैंडलॉर्ड को, हो सके तो राइटिंग में ले लो आप। ये बहुत परेशान करने वाली है ये चीज़ आगे आके, इसको आप रख लो पहले। हिडन कॉस्ट इसीलिए कहता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट हिडन कॉस्ट क्या है, पैकेजिंग की इन्वेंट्री। हमने इन्वेंट्री जब प्लान करते हैं ना, ये कॉमन मिस्टेक है, जब हम लोग इन्वेंट्री प्लान करते हैं तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री प्लान करते हैं कि हमारे को महीने में इतना किलो चीज़ चाहिए, इतना बटर चाहिए, इतना किलो मैदा चाहिए, इतना आटा चाहिए, इतनी चीनी चाहिए, ऑल दीज थिंग्स वी प्लान। व्हाट वी डोंट प्लान और व्हाट वी फेल टू प्लान इज जो पैकेजिंग आइटम हम लोग यूज करने वाले हैं। दिखावट का जमाना है, यू नो यू हैव टू यूज प्रीमियम पैकेजिंग, यू हैव टू यूज ब्रांडेड पैकेजिंग। आप ब्रांड के साथ जा रहे हो ना, ब्रांडेड पैकेजिंग चाहिए। लेट्स से यू आर मेकिंग पिज्ज़ा, आपको पिज्ज़ा बॉक्स चाहिए। एक पिज्ज़ा बॉक्स करीब डिपेंडिंग अपॉन द साइज 8 रुपये से 14 रुपये 16 रुपये के आसपास का रहेगा। थाली कर रहे हो आप तो थाली की एक ट्रे होगी, उसके ऊपर एक वो सील होगा, फिर उसका एक स्लीव होगा, तो वो सब मिला करके 18-20 रुपये जैसा थाली का कॉस्टिंग पड़ता है पैकेजिंग का। आपको ब्रांडेड चाहिए तो आपको 50,000 पीस का ऑर्डर देना पड़ेगा एक बार में, वरना कॉस्टिंग नहीं आएगी। आप जाओगे किसी बंदे के पास जो होलसेल का काम करता है, वो बोलेगा मेरा मिनिमम ऑर्डर साइज तो 50,000 का है, या मेरा मिनिमम ऑर्डर साइज 10,000 का है। घुस गए ना 2 लाख उसमें, गए 2 लाख, ये तो आपने प्लान ही नहीं किया था, और ये डेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ये तो आप जैसे जैसे बेचोगे वैसे वैसे यूज होगा, बट आज तो कैपिटल ब्लॉक हो गया ना आपका। ये हिडन कॉस्ट है, आपका कैपिटल ब्लॉक हो गया। आपने 10 लाख का इंतजाम किया था, इधर अलग अलग चीजों में पैसे घुसते चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कुछ। ये यहां पैसे घुसते हैं आपके, यहां पे पैसे अटक जाते हैं, यहीं पे आकर के आपके टोटल जो इतना आपने जुगाड़ किया था ना वो कम पड़ जाता है बिजनेस के लिए। ये अक्सर होता है, 90% लोगों के साथ में होता है, कोई ना कोई आइटम परेशान करता है। नेक्स्ट हिडन कॉस्ट क्या है, फर्नीचर एंड वुडवर्क। आज तक मैंने ऐसा एक आर्किटेक्ट नहीं देखा, आज तक मैंने ऐसा एक कंसल्टेंट नहीं देखा जिसने कहा हो कि आपका पूरा वुडवर्क का काम या फर्नीचर का काम 1.5 लाख में हो जाएगा और 1.5 लाख में हो गया हो। अगर उसने 1.5 लाख बोला है, आप मुझसे लिखवा लो 2.5 लाख से 1 रुपया कम नहीं लगेगा आपको उसमें, 2.5 लाख रुपये लगेंगे आपके उसके। उसने कहा है, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है 1 लाख, 1.5 से 2 लाख लगेगा। उसने 2 लाख बोला है, 3 लाख से कम 1 रुपया नहीं लगेगा। उसने 5 लाख बोला है, 8 लाख की गिनती रखो आप। ये हिडन कॉस्ट है, क्योंकि वो तो बैठ जाएगा कि सर आपने ये वाली टाइल सजेस्ट किया, आपने ये वाला यू नो लैमिनेट चूज किया, आपने महंगा वाला डिज़ाइन चूज किया। उसके पास 10 कारण होंगे आपको देने के लिए कि क्यों कॉस्ट बढ़ी। पैसे आपको देने हैं, आप अटकते हो। सो ये दिमाग में रखो, आप जितना वो कह रहे हैं 100% गलत है वो, उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम तो बिल्कुल नहीं होगा। लेबर चार्जेस, कोई एक आदमी आपको अटकाएगा। अब ये एक आदमी कौन होगा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अलग अलग एक्सपीरियंस से, अलग अलग रेस्टोरेंट्स ओपन किए हैं, फ्रेंचाइजी के रेस्टोरेंट्स ओपन किए, मेरे पहचान वालों के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, मेरे दोस्त हैं आर्किटेक्ट्स उनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। आपके यहाँ 4-5 अलग अलग एजेंसी काम करती है। एक होता है सिविल वाला, है ना, सिविल वाले का क्या काम है, वो दीवार वगैरह में कुछ करना है तो करता है, टाइल्स वगैरह का कुछ काम है तो वो करता है, तो वो सिविल वाला हुआ। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक वाला, ठीक है, जो वायरिंग लाइट्स ये सब फिक्स्चर वगैरह देखता है। और सिविल वाले के अंदर ही फॉल्स सीलिंग को भी मैं रखता हूँ। फॉल्स सीलिंग वैसे तो फैशन से हट गया है, बट फिर भी अगर आपको कराना है तो वो सिविल वाले के स्कोप में ही रखते हैं उसको। पेंट वाला फिर आपका अलग हो गया, जो पेंट का काम
उसका फाइनल काम आएगा सब कुछ होने के बाद। एक होगा आपका लकड़ा वाला, लकड़ी वाला, वो फर्नीचर जो भी आपका कस्टमाइज फर्नीचर है, काउंटर वगैरह बनेगा, ये वो बनाएगा। सो ऐसे चार पांच अलग अलग एजेंसीज के साथ काम कर रहे हो, इसमें से कोई एक धोखा देगा आपको, लिखवा के रख लो आप। पांचों ने कोई टाइम कमिट किया होगा आपको, कोई बजट कमिट किया होगा, चार तो कर लेंगे, कोई एक अटकाएगा, उस एक की वजह से आपका प्रोजेक्ट डिले होगा। वो इधर सोच के रखो, वो प्लान में डाल के रखो कि इसमें से सम इडियट विल यू नो डिच मी। एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, किसी बुक में ये चीज नहीं मिलेगी आपको, किसी थ्योरी में नहीं मिलेगी, जिसने किया है उसको पता है ये चीजें होती हैं। ये आपके हिडन एक्सपेंसेस हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप, दिमाग में रखो तो आगे सुखी रहोगे आप। वरना होता क्या है मैं बताऊं, आपने 10 लाख सोचा, इधर स्टार्टअप करते करते 13-14 लाख लग गए। आपने 10 लाख सोचा था, 1 लाख और जुगाड़ करके आपने रिजर्व में रखा था, अब इधर ही 13-14 लाख लग गए। कहीं कहीं से लोन लेकर के, कुछ एडजस्टमेंट करके, कहीं और से पैसे उठा के आपने डाल दिए इसके लिए, आपने डाल दिया। अब इसका भुक्तभोगी कौन है? ये जो एक्स्ट्रा खर्चे गए ना, इसका असर किस पे पड़ा? इसका असर पड़ा मार्केटिंग पे। आपके पास मार्केटिंग करने के लिए पैसा नहीं बचा। एंड दिस आई सी हैपनिंग एवरी डे। इधर पैसे इतने लग गए कि मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं बचे, मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं बचे, आपने मार्केटिंग की नहीं, आपने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि ऊपर वाले सब देख लेना, जरा पैसे नहीं है, अभी क्या करूं मैं। सो जो मेरा वॉक इन कस्टमर आएगा, जो वर्ड ऑफ माउथ होगा, सिर्फ वही करूंगा, उसी से मैं अपना धंधा चलाऊंगा। गए यार, मार्केटिंग का बजट कॉम्प्रोमाइज हुआ तो सेल्स कॉम्प्रोमाइज होगा, सेल्स कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आपकी बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, आपकी बेसिक फाइनेंशियल वायबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, और ये जो रेस्टोरेंट जहां आपने ओवर स्पेंड किया ना स्टार्टअप में, वो साल भर के अंदर बंद हो जाएगा। और जितने पैसे आपने इंटीरियर में डाले, उसका एक रुपया रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। बहुत पेनफुल स्टोरी है लेकिन सच है। 10 का 14 डाल दिया हमने, जिसकी वजह से मार्केटिंग में पैसा नहीं डाला, जिसकी वजह से सेल्स नहीं हुई, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट हर साल भर के अंदर बंद करना पड़ा, और जिस जगह पे 14 लाख डाला था ना, उसका एक रुपया नहीं मिला मुझे। ऐसा होता है। सो बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, कहां पे आपको ओवर स्पेंड करना है और कहां पे टाइट करके रखना है आपको। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पता हो कि ये सारे हिडन कॉस्ट होते हैं। दीज आर द हिडन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप, एट द टाइम ऑफ लॉन्च। एक तीसरा सबसे बड़ा हिडन कॉस्ट है जो इससे ज्यादा हिट करता है आपको, पर हम लोग इसको कैलकुलेशन में ही नहीं लेते। दैट इज द प्रॉब्लम। आई एम ए फाइनेंस गाय, आई एम टॉकिंग अबाउट इट, बट जनरली जब हम लोग काम करते हैं, जब हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो ये हमारे कैलकुलेशन में ही नहीं होता, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं सिनारियो बताता हूँ होता क्या है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वन ऑफ दीज बगर्स विल डिच यू, या फर्नीचर वाला हो, या सिविल वाला हो, इलेक्ट्रिक वाला हो, पेंट वाला हो, कोई तो एक धोखा देगा, कोई तो एक ऐसा होगा जो समय पे काम पूरा नहीं करेगा, अपने बजट पे काम पूरा नहीं करेगा, उसके चलते प्रोजेक्ट आपका खींचेगा। अब प्रोजेक्ट खींचता है तो क्या होता है, आपने जब लीज पे लिया या आपने जब रेंट पे लिया लैंडलॉर्ड से, उसने आपको 15 दिन का या 1 महीने का समय दिया, 1 महीने तक मैं रेंट चार्ज नहीं करूंगा, ये आपका फिट आउट पीरियड है, स्टैंडर्ड टर्म है इसका फिट आउट पीरियड। 1 महीने के बाद से आपका रेंट का मीटर शुरू हो गया। आपने तो ये प्लानिंग की थी ना कि 1 महीने में मेरा सारा इंटीरियर का काम हो जाएगा, मैं लॉन्च कर दूंगा अगले महीने की 1 तारीख से। अगले महीने की 1 तारीख आपने पंडित जी को दिखाया या किसी मौलवी को दिखाया, उसने बताया कि बेटा ये दिन सही नहीं है तेरे लिए, तेरा सही दिन कौन सा है, 8 तारीख। आपने वो फर्नीचर वाले को, पेंट वाले को, सबको बता दिया 8 तारीख के हिसाब से प्लान कर भाई, 8 तारीख लॉन्च है इसका। क्या मजाल जो 8 तारीख को लॉन्च हो जाए, 8 तारीख को उसमें से कोई एक काम कर ही रहा होगा आपके अंदर, वो खींचते 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 अगले महीने तक लेके जाएगा उसको।
अब जो अगले महीने तक लेके गया तो आपका नुकसान क्या हुआ? आप बोलोगे रेंट गया, रेंट के साथ साथ जो म्यूनिसपालिटी टैक्स जाता है वो पूरे साल का भरता हूँ एक बार में, तो उसका आप 1/12 कर लो, एक महीने का म्यूनिसपालिटी टैक्स गया, यही नुकसान हुआ। और अगर मैंने मैन पावर हायर कर रखा है तो एक महीने की सैलरी गई, यही गया। नहीं सर, आपने एक महीने की सेल्स खोई, एक महीने का प्रॉफिट खोया। अब कैलकुलेट करो वो पेंट वाला किस भाव पड़ा आपको, अब कैलकुलेट करो वो फर्नीचर वाला क्या रेट में पड़ा आपको। आपने कुछ तो सोचा होगा ना, पहले महीने में 2 लाख की सेल करूंगा, 4 लाख की सेल करूंगा, 5 लाख की सेल करूंगा, कुछ तो सोचा होगा। 5 लाख की सेल करूंगा तो उसके पीछे मेरा इतना फूड कॉस्ट आएगा, मेरा इतना एक्सपेंसेस है, उसके बाद मेरे को 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा, कुछ होगा कैलकुलेशन करेक्ट। महीने भर डिले हुआ प्रोजेक्ट आपका, तो वो 5 लाख की सेल भी गई, 1.5 लाख का प्रॉफिट भी गया। सो आपका एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ रेंट और मैन पावर सैलरी और म्यूनिसिपल टैक्स नहीं है, आपका एक्चुअल कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ सेल्स, अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। इसकी वजह से आपका जो रिजर्व फंड था, जो आपने मुसीबत के समय के लिए संभाल के रखा था, उसके ऊपर प्रेशर आ गया। दिस इज योर एक्चुअल हिडन कॉस्ट। तभी कोई भी जब बात करता है ना कि एक प्रोजेक्ट प्लान बनना चाहिए, प्लान के हिसाब से लॉन्च होना चाहिए, कर लीजिए, टाइमलाइंस के हिसाब से लॉन्च कीजिए, तो ये सारी चीजें बचती है। ये जितनी हिडन कॉस्ट मैंने बताई ना कि इस किस चीज़ों में पैसे जाते हैं, इन चीज़ों में एक्स्ट्रा लग जाता है, ये लग जाता है, सबका तरीका है। आगे किसी वीडियो में या किसी कोर्स में मैं चर्चा करूँगा इन सारी चीज़ों की। आई एम हियर टू जस्ट टू मेक योर जर्नी स्मूथ। मैं सारी चीज़ें की चर्चा करूँगा, लेकिन आप पहले ये समझो ये प्रॉब्लम है। इफ़ यू डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस एज अ प्रॉब्लम, आप इसका सोल्यूशन ढूंढोगे ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? आज आपको पता है ये प्रॉब्लम है तो आप ढूंढना शुरू करोगे, आप इसका सेफ गार्ड शुरू करोगे, ये मैं चाहता हूँ। अगर आपने प्रोजेक्ट किया है, अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, आपको याद होगा जब रेस्टोरेंट बनाया था आपने, डू यू रेजोनेट विथ मी, डू यू अग्री टू व्हाट आई से, Did you experience the same thing which I'm saying? Share your experiences. क्या पता आपके experience से किसी नए businessman की, किसी नए entrepreneur की journey आसान हो जाए। Take care. All the best.